आज हम पितृपक्ष का महत्व, पौराणिक कथा, इसके बारे में जानकारी देंगे। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति और उन्हें ऊर्जा देने के लिए श्राद्ध क्रम किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर पितर नाराज हो जाएं, तो घर के सदस्यों की तरक्की में रुकावट आ जाती है। ज्योतिष के अनुसार भी कुंडली में पितृ दोष काफी महत्व रखता है, इसलिए पितरों को मनाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों का श्राद्ध क्रम किया जाता है। इसकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है और इसकी समाप्ति अमावस्या पर होती है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता है, ना ही मकान, दुकान और ना ही गाड़ी खरीदी जाती है। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पूर्णिमा होती है, उनका श्राद्ध भी पूर्णिमा को ही किया जाता है। इसके बाद अश्विनी माह की अमावस्या को श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं और पितर अपने पितृलोक को लौट जाते हैं। माना जाता है कि श्राद्ध का आरंभ होते ही पितर अपने हिस्से का ग्रास लेने के लिए पृथ्वी लोक आते हैं, इसलिए जिस दिन उनकी तिथि होती है उससे एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों तरफ जल दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आप अपने पितरों को निमंत्रण दे रहे हैं। और अगले दिन जब ब्राह्मणों को उनके नाम का भोजन कराया जाता है, तो उसका सूक्ष्म रूप भी पितरों तक पहुंच जाता है। बदले में पितर आशीर्वाद देते हैं और अंत में पितर लोक को लौट जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध में गौ ग्रास मुख्य रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कौवा आपका संदेश पितरों तक पहुंचाने का काम करता है। भोजन में खीर का महत्व इसलिए है कि खीर पितरों को पसंद होती है। भोजन से पहले ब्राह्मण संकल्प करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसके हाथ में जल देकर संकल्प कराया जाता है कि वो किसके लिए श्राद्ध कर रहा है। उसका नाम, कुल का नाम, गोत्र, तिथि, स्थान आदि सभी का नाम लेकर संकल्प कराया जाता है। भोजन के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को वस्त्र तथा दक्षिणा भी दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पितरों की तिथि नहीं पता होती है, तो वह अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है और अपने सामर्थ्य अनुसार एक या एक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करा सकता है। कई विद्वान गण ये भी कहते हैं उनकी अकाल मृत्यु हुई है या फिर किसी दुर्घटना से उनकी मृत्यु हुई है, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रखना, पितृ तर्पण अथवा श्राद्ध क्रम करना अति आवश्यक होता है। ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध, दीर्घायु, सुख शांति वाला होता है। व्यक्ति का वंश आगे बढ़ता है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पितरों के प्रति जो श्रद्धा पूर्वक कार्य किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। पितृपक्ष पूर्णिमा श्राद्ध को शुरू होता है। जिनकी मृत्यु पूर्णिमा पर हुई होती है उनका श्राद्ध पूर्णिमा पर किया जाता है। दोस्तों, पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें कर्ण के पूर्वजन की कथा काफी प्रचलित है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार कौरव पांडवों के बीच युद्ध समाप्ति के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया था, तब दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। उन्हें खाने में सोना, चांदी और गहने भोजन की जगह परोसे गए। इस पर उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से इसका कारण पूछा। इस पर इंद्र ने कर्ण को बताया, पूरे जीवन में उन्होंने सोने, चांदी और हीरों का ही दान किया, भोजन का दान उन्होंने नहीं किया। कर्ण ने इसके उत्तर में कहा, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। पूर्वजों के नाम पर भोजन दिया जाता है, ऐसा ज्ञान उन्हें नहीं था। तब वह ऐसा करने में असमर्थ रहे। तब इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने की सलाह दी। जब उन्होंने इन्हीं 16 दिनों के दौरान भोजन दान किया तथा अपने पूर्वजों का तर्पण किया और इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृ कर्ण ऋण मुक्त हो गए। पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंड तथा दान को ही श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो अमावस्या के दिन भी पितरों की शांति की जा सकती है, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का अपना एक अलग ही महत्व है। जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु का सही तारीख या दिन नहीं पता, वे लोग आखिरी दिन यानी सर्वपित्री अमावस्या के दिन उन्हें श्रद्धांजलि और भोजन अर्पित कर सकते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर तीन प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण, और इसमें पितृ ऋण सर्वपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा ऐसे बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने का तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया है। पितृपक्ष में लोग संयम का जीवन जीते हैं तथा पितरों का स्मरण करके जल चढ़ाते हैं और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है।
अपने पितरों को तिल मिश्री जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं और उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। पितरों में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वज इन सब के लिए तर्पण किया जाता है और इन्हीं को पितृ कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात स्वयं पितृ तर्पण ही किया जाता है। शास्त्र पक्ष के अनुसार अपने पितरों के निमित्त जो भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक दान करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। घर परिवार व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से माता पिता आदि सामान्य जनों का अपमान करने से मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाक्रम और श्राद्ध नहीं करने से उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, असमय मृत्यु, बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष का लक्षण होता है। यदि परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान बिल्कुल न करें तथा प्रति वर्ष अपने पितृ जनों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए करवा सकता है। इसमें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख बताए गए हैं। आप श्राद्ध 12-12 के अंदर अंदर कर लें तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या पंडित घर पर नहीं बुला पा रहे हैं और आपको ज्ञान भी नहीं है कि कैसे पितरों को अन्न व जल दिया जाए तो चलिए हम आपको आसान विधि द्वारा बताते हैं कि कैसे आप घर पर रहकर ही इसे कर सकते हैं। श्राद्ध में सफेद फूलों का ही प्रयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, सफेद कपड़े आदि इस्तेमाल करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और सामने पितरों की फोटो रखें और उनके आगे धूप बत्ती करें और दिया जलाएं और आप एक स्टील के लोटे में काले तिल, गंगा जल, गाय का दूध और पानी डालें और उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह से आप 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप करें, ओम पित्राय नमः। इसके अलावा आप खीर, पूड़ी, सब्जी अपने सामर्थ्य के अनुसार बना लें। गाय, कुत्ते और कौए के लिए अलग से निकाल कर रख लें। उसके बाद गाय के गोबर का कंडा लें और उसे जला लें और फिर कंडे को किसी शुद्ध स्थान पर रख कर खीर से 3 आहुति दें। उसके पास ही एक लोटा जल का भरकर रख दें। इसके बाद इसे दूसरे दिन किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को सूखा अनाज और दक्षिणा दे दें। तो दोस्तों जाना आपने पितृ पक्ष के बारे में कुछ खास जानकारी। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।